आज के दिन सन 1524 में यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का कोच्ची में निधन हुआ था। 1924 में भारतीय पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। 1954 में दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस में 1959 में जाने माने बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर का जन्म हुआ था। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। ये हमला 1978 की सोवियत अफगान मैत्री संधि के बहाने किया गया था। 1987 में तमिल अभिनेता और राजनेता एम जी रामचंद्रन का निधन हुआ था। 1990 में देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड मुंबई में खुला था। 1988 में हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का निधन हुआ था। सन 2000 में पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। और इसी साल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 1986 पारित होने की याद में इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 2005 में यूरोपीय संघ ने खलिस्तान जिंदाबाद फोर्स नामक संगठन को आतंकी सूची में शामिल किया था। और आज के दिन सन 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।